हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस? आप लोगों को सबसे पहले थैंक्स, इतने सारे लोगों ने कमेंट किए जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी मुंबई पे, उस पर इतना सारा प्यार मिला आप लोगों का। हज़ारों से भी अधिक लोगों ने वीडियो देखे, बट कई लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किए कि भाई आपने उसमें जितने भी जॉब्स बताए हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद मुंबई में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उस वीडियो में थोड़ा सा एज अ सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताया था, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बताओ कितनी सैलरी मिलती है इस पर, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है हमको अभी के टाइम पे काम करने के लिए, ठीक है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट कर देता हूं जो कि आपको सिक्योरिटी गार्ड कवर करने के लिए जरूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको सैलरी बता दूं। देखो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली जॉब आपको किसी भी शॉपिंग मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, स्टार हाउस में, ये सब काम आपको आराम से मिल जाते हैं और सैलरी काफी अच्छी मिलती है, मैं शेयर कर देता हूं। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट है कुछ, वो पहले सुन लो, ठीक है। क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th और 12th पास आप होने चाहिए इसके लिए। सेकंड है आपकी मेडिकल फिजिकल फिटनेस काफी अच्छी होनी चाहिए, काफी नहीं मतलब फिट होने चाहिए, वैसे नहीं बहुत मोटे हो, बहुत दुबले हो, ऐसा भी ना हो, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है वो भी वीडियो के देखना, इसमें और भी कई सारी जॉब्स मैंने बताई हैं, ठीक है, जो कि आप मुंबई में कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद ना है तो और भी जॉब्स आप कर सकते हो 10th और 12th के बाद, तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, आप एबव 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए, ठीक है, और बस ये आइडेंटिटी में आपको बेसिकली आधार कार्ड होगा आप लोगों के पास, पैन कार्ड, उस सबकी कॉपी ले लेना, ठीक है, ये सारे लगते हैं। फिजिकल फिटनेस तो काफी जरूरी है इसमें, बहुत दुबले पतले भी ना हो, बहुत मोटे भी ना हो, ये चीज ध्यान देना। देखो सैलरी की बात करें तो डिपेंड करता है जॉब लोकेशन के ऊपर, कई सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग सैलरी मिलती है, बट स्टार्टिंग में ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड की लगभग 15 से लेकर के 45 तक मिलती है, ठीक है, डिपेंड करता है। स्टार हाउस में आपको बहुत ज्यादा तो मिलता है, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस काफी अच्छी है तो 40,000 45,000 मिलते हैं, बट स्टार्टिंग में एवरेज एवरेजली आपको इतना तक मिल जाता है। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, और जाकर 10th और 12th पास वाली वीडियो देखो।